मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ही चल रहा था कि मैं आप लोगों के लिए क्रूज इंडस्ट्री का वीडियो बनाऊं कि क्रूज आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं क्रूज शिप को, बट मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, अंदर से एक नहीं आ रहा था कि विक्रम आपको अब बनाना चाहिए तब बनाना चाहिए। बट आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि जैसे ही मुझे मौका मिला, जैसे मैंने यहाँ पर उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, मैं सीधे निकल गया मुंबई के लिए और एज ए कैंडिडेट मैंने वहां का पूरा उनका जितना भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके उनका इंटरव्यू दिया 12 घंटे वेट करने के बाद। और इसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसा क्या रहा और क्या क्या मैंने प्रॉब्लम झेली। बहुत सी जो इसमें 1500-1600-2000 लोग आए हुए थे उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई, उसमें से 50% लोग घर गए वापस, क्या क्या हुआ इसमें वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडियन होटेलियर शुरू चैनल में। आप सोच रहे हो कि ऐसे बाल बना के ये टाई वगैरह पहन के क्या कर रहा है। मैं आज आ गया हूँ मुंबई, पहली बार आया हूँ मुंबई में बाय द वे, एंड आई केम हियर फॉर एन इंटरव्यू। आज हमारा क्रूज करियर .in में जो इंडियन क्रूज करियर की ऑफिस है यहाँ पर हमारा मुंबई में इंटरव्यू होने वाला है आज। और इतने लोग को देखकर तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं सबसे पहले कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके जेरोक्स करवाए, क्योंकि जेरोक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डोसा खा लेते हैं, पेट पूजा करते हैं, देन वी गो इनसाइड। अभी यहाँ पर 400-450 लोग बाहर खड़े हुए हैं, 200 लोग अंदर, 600 लोग हो गए, 10 बज चुके हैं। पता नहीं हमारी लाइन नंबर आने वाला है कि नहीं, बट आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस कैसा रहता है अंदर, किस टाइप से किस टाइप से इंटरव्यू का लाइनअप है, क्या है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। भाई का नंबर आया हुआ है, मेरा फोकस क्यों नहीं कर रहा है, 649, और मैं अब यहाँ से टाइमलेस बना के दूंगा। और यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है जहाँ पर कि ऑलरेडी ये टोकन सिस्टम चल रहा है, जितने भी वो लाइन में लगे हैं अपने बारी बारी से नंबर से अपना टोकन ले रहे हैं। ऑलरेडी 650 लोग अंदर जा चुके हैं और इसमें से अभी जितने लोग आप देख रहे हैं 200-300 से ऊपर ही लोग हैं, जिसमें कि मेरा नंबर सबसे लास्ट में आने वाला है। और ये सबसे अच्छी बात लगी कि मेरे को जो गर्ल्स हैं इन लोगों को और लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टोकन ले सकते हैं और डायरेक्ट जाके अपने जहाँ पर उनका इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर अंदर जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं पहले। सो बहुत अच्छी बात है। और बट यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट मैंने देखी कि लोगों के पास हाफ इंफॉर्मेशन है कि उनको बस पासपोर्ट लेके आइए या फिर अपना एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स लेके आइए और आपको यहां पर इंटरव्यू में जाने देंगे। नहीं, इतने सारे लोग हैं जिसमें कि आप लोगों को ये इसमें से बहुत से आधे से ज्यादा लोग बिना इंटरव्यू दिए घर चले गए बिकॉज उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। और मैं अभी यहां पर लास्ट में मेरा नंबर आने वाला है और आगे का बहुत ही खतरनाक का सीन होने वाला है। ये तो अभी सिर्फ छोटी सी लाइन है, सिंगल लाइन, अंदर जाके तो और ज्यादा भसड़ है जिसमें कि अभी आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा कैसा सीन होने वाला है। 649 नंबर हम लोग हैं लास्ट में होगा। और यहाँ पर मुझे एक मिले कैंडिडेट जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से 5.5-6 घंटे इतने दूर से आने के बाद अपना वेस्ट करने के बाद अभी वापस जा रहे हैं। मैसेज यू वांट टू से इफ एनीवन वांट्स टू कम ओवर हियर, आई विल टेल देम दैट कम विद द राइट डॉक्यूमेंट एंड विद द राइट ओरिजिनल पासपोर्ट। All the best. और मुझे टोकन मिला था 970 का, जहाँ पर जैसे मेरा 2 बजे मैं यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर देखा तो इतनी लंबी लाइन, ये 4 लाइन है यहाँ पर मतलब कि आप देख सकते हैं 100-150 लोग और खड़े हुए हैं। और यहाँ पर से मुझे लग गए 4 बज गए मुझे यहाँ से सिर्फ एंटर करने के लिए, जो कि बहुत खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मतलब मेरे को यहीं पर ऑलरेडी 4 बजे, फिर उसके बाद 5वें फ्लोर में था, मतलब यहाँ पर देख रहे हो इतनी लंबी सीढ़ियों में हम लोग धक्के खाने के बाद फाइनली मैं पहुँच गया था शायद 4:30 बजे से 5 बजे, मेरे को एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, शायद 5 बजे थे मुझे सिर्फ अपने वहाँ पर रिक्रूटमेंट हॉल में पहुँचने के लिए। तो बहुत से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी एक साथ। और फाइनली 5 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया शॉर्ट लिस्टिंग रूम में, जहाँ पर इतने सारे लोग हैं और नंबर वाइज जो भी आपको टोकन नंबर मिला है उसके हिसाब से आपको चल रहा है। अभी यहाँ पर चल रहा है 500 नंबर और मेरा नंबर आ रहा है 970, जो कि बहुत लंबा है। मुझे 8:30 बजे मेरा नंबर आया 970 का और उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपके मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं सब चेक हुए। और फाइनली यहाँ पर इतने 10 घंटे वेट करने के बाद मेरा नंबर आता है 8:30 बजे, जहाँ पर मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। वो सबसे पहले मेरा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस चेक करते हैं, उसके बाद मेरा पासपोर्ट चेक किया उन लोगों ने, उसके बाद मेरा सैलरी स्लिप चेक किया, उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कि मेरे को अपना जो जितना मैं जिस होटल में जॉब कर रहा हूँ करंटली वहाँ पर का जो बैंक से स्टेटमेंट आती है कि आपके इस होटल में से इतने एक्स अमाउंट क्रेडिट हो गए आपके अकाउंट में, वो मैसेज दिखाइए। मैंने कहा यार मैं शॉक हो गया कि ये मैसेज क्यों दिखाने बोल रहे हैं। मुझे बाद में पता चला कि ये मैसेज इसलिए बोलते हैं वो लोग क्योंकि बहुत सारे ऐसे महान हस्तियां हैं जो लोग फेक डॉक्यूमेंट बना के लेके आते हैं। आजकल क्या एक्सेल शीट में पूरा इसमें वर्ड फाइल में बना के लेके आना, उसको प्रिंट आउट करके लेके आना, बहुत चलता है फ्रॉड केस, जिससे कि क्या होता है कि ये एक
एक कैंडिडेट के ऊपर इतना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और बाद में जब वो पूरा सब कुछ उनका प्रोसेस वगैरह हो जाता है, जब वो वहाँ पर क्रूज इंडस्ट्री क्रूज यू नो वो एचआर डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर होटल में कॉल करते हैं रेफरेंस चेक के लिए, तो वहाँ पर बोलते हैं कि ये तो होटल ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं किसी अननोन नाम का होटल जिसका एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका नाम डाल के आते हैं, या फिर यू नो क्या करते हैं कि ये वहाँ पर काम किया नहीं, बस वहाँ पर से रेफरेंस लगा के वहाँ पर का ये सब सैलरी स्लिप वगैरह बनवा लेते हैं। तो इसीलिए वो लोग पूरा सैलरी स्लिप चेक करते हैं कि हाँ इस होटल से इतना पैसा आया हुआ है, मतलब कि जेन्युइन है। तो जेन्युइनिटी देखने के लिए आप जेन्युइन हैं कि नहीं वो चेक करते हैं, सर शॉर्टलिस्ट करते हैं। आपका 5-7 मिनट का यहाँ पर इंटरव्यू होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गया 10 मिनट का इंटरव्यू हो जाएगा, जहाँ पर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके यू नो चेक किया जाता है कि अपने आपके बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और समथिंग लाइक दैट, और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर F&B सर्विस टेल मी 5 नेम ऑफ एनी वाइट ग्रेम और एनी रेड ग्रेप्स नेम, एनी 10 कॉन्टिनेंटल फूड नेम। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होता है। उसके बाद जहाँ पर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, आप जेन्युइन है, आपने आपकी इंग्लिश अच्छी है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश यू नो स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग नॉट द कम्युनिकेशन, इफ यू आर नॉट इन गुड इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश देन डोंट अप्लाई राइट नाउ, बिकॉज दे विल जस्ट डायरेक्टली टेल यू इन योर फेस कि वी आर नॉट हियर टू इंटरटेन यू, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन और अदरवाइज वर्क ऑन योर यू नो एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो बोलेंगे कि आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए करें जहाँ पर एक साल का यू नो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करता हूँ जूनियर वेटर की, अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट वेटर की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर होटल वेटर की, यहाँ पर का एक साल का मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की। अगर नहीं है आपको वापस भेज देंगे, बोलेंगे इतने में टाइम बाद आओ, वापस हम लोग करेंगे आपका आगे का प्रोसेस। यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक है, देन यू गो फॉर अनदर राउंड। ये था आपका सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग। दूसरा राउंड होता है आप लोगों का रिक्रूटमेंट, जहाँ पर आपकी दूसरी टीम बैठी हुई है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, वहाँ पर वापस से सारे चेक किए जाते हैं, और वहाँ पर चेक करने के बाद आपके फिर इंटरव्यू राउंड होता है कि फिर अगेन टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन क्रूज इंडस्ट्री। मैं सामने बैठा था, सारे क्वेश्चन लिख रहा था, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जब मैं वो वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, यू नो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को अगर मुझसे डायरेक्ट बात करनी है और यू वांट टू कंसल्ट आपके फ्यूचर को लेके, अपने किसी भी चीज़ को लेके आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम से बात कीजिए, वहाँ पर से मेरे से कॉन्टैक्ट करवा देंगे वो लोग, आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं अपने करियर को लेके या फिर किसी भी चीज़ के कन्फ्यूजन रहती है। तो दूसरी बात आती है यहाँ पर, जैसे आपका रिक्रूटमेंट में आ जाता है, सेकंड राउंड में पहुँचे आप लोग, वहाँ पर से आप लोग को कर दिया जाता है कि आप कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो फिनिश फाइनलाइज हो जाता है। उसके बाद आपको कौन से क्रूज के लिए जाना है वो फाइनलाइज हो जाता है। उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि इतने पर्टिकुलर डेट को आइए, इतने बजे आइए, वहां पर आपका इंटरव्यू होगा, जहां पर कि जो डेडिकेटेड क्रूज लाइनर्स हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं पियानो है, कोस्टा है, प्रिंसेस है, कार्निवल्स हैं, ये आते हैं, वहां के डायरेक्टर्स आएंगे, F&B डायरेक्टर आएंगे, अगर आप F&B प्रोडक्शन के जाए तो F&B कलिनरी शेफ लोग आएंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे अगेन से, वहां पर से आपका शॉर्ट लिस्ट हायरिंग प्रोसेस हो जाएगा। तीन डिवाइड किया हुआ है इसका, शॉर्ट लिस्ट आपका यू नो आपका रिक्रूटमेंट, उसके बाद हायरिंग, उसके बाद फिर आपका वीजा का प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका यू नो मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद एक दो महीने के अंदर आप जा सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो आपका हो गया प्रोसेस कि आप आते हैं, सबसे पहले जैसे आप उसके अंदर टोकन लेंगे, टोकन लेने के बाद आपका टाइम आएगा, उसके बाद उस टाइम पे आप जाएंगे, उस टाइम पे आप जाने के बाद आपका cruisecareer.in में जो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, प्रोफाइल तो होनी चाहिए उसमें 85% आपका प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको अंदर एंटर भी नहीं किया जाएगा। अपना पासपोर्ट लेके ही जाना, आप बोलेंगे नहीं मैंने पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया हुआ है, या फिर आप बोलेंगे कि नहीं मेरा पासपोर्ट घर पे है, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपका पासपोर्ट लेके ही जाना, ठीक है। दूसरी बात, आपका 85% होना चाहिए, उसके बाद आप जाते हैं तो आपका सैलरी स्लिप और आपका सैलरी स्लिप का जो मैसेज आता है आपके होटल से वो आपके पास आपके फोन में रहना चाहिए। आप अपना चार्जर लेके जाइए, खाना खा के जाइए, बिकॉज आप इसके एक बार अंदर घुस गए तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ 7-8 घंटे लग जाएंगे आप लोग भूखे, आप जब तब इंटरव्यूअर के पास जाएंगे आपके पास जान नहीं रहेगी कि अब मैं बोलूं क्या और कैसे बोलूं, मुरझाए हुए रहेंगे और कोई एनर्जी नहीं रहेगी। ये है मेरे पास से बोनस टिप आप लोगों के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज जो ये हो गई आप लोगों की कि आपका जो अभी जो ये इंटरव्यू की जो सीरीज आने वाली है, जो क्रूज इंडस्ट्री के मैं वीडियोस बनाने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, नहीं हो कि मैं खुद गया, समझ रहे हो आप, मैं खुद गया कि मेरे को एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार मैं बनाऊं तो वीडियो, मुझे नहीं चाहिए था कि मैं अगर मैं अपने चैनल पे वीडियो डालूं तो जेन्युइन होनी चाहिए और आप लोगों को परफेक्ट नॉलेज मिलनी चाहिए, जिससे कि आप मेरे वीडियो देख के ही आप क्रूज इंडस्ट्री में ज्वाइन कर पाएं, अपना जो फ्यूचर का जॉब है वो आपको मिल जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों को कोई भी पर्सनल क्वायरी आप लोगों की है, पर्सनली आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों को दिया हुआ नंबर है, उस नंबर पर अभी कॉल कीजिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए, वहां पर मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और वी गोना हैव 1v1 कन्वर्सेशन, और मैं आप
ट्राई करूंगा कि 110% आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात आती है कि आप लोग यहां पर जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इफ यू डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल मत जाइए, नॉट इवन द कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्व यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड से लोग आने वाले हैं, यू नो यू आर गोइंग टू फेस इंटरनेशनल क्लाइंट, इंटरनेशनल कलीग्स, सो आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज जो शॉर्टलिस्टिंग वाला प्रोसेस है वहाँ पर ये लोग यही देखते हैं कि आपके पास इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है या नहीं है, ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है। ये तो नहीं कि आप अपना नाम तक अच्छे से नहीं बोल पा रहे तो आप वहाँ जाके क्या करेंगे, ठीक है। कोई भी एक बड़ा ब्रांड ऐसे यू नो किसी को भी हायर नहीं करेगा जिससे कि उसकी एक एम्प्लॉय की वजह से उसकी रेपुटेशन कम होगी, यहाँ पर अनट्रेन्ड लोग हैं, ऐसा बोलना पाए। यहां पर बहुत सारे लोग भी होंगे जो मुझसे बोलेंगे कि सर आप लोग मुझे, हम इतना बता रहे हैं तो आप ही, व्हाई डोंट यू गो एंड जॉइन क्रूज एंड यू नो, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बिकॉज एवरी क्रूज हैज, एवरी इंडस्ट्री हैज सम टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि क्रूज इंडस्ट्री में भी है, एंड उस पर मैं एप्लीकेबल, वो टर्म्स एंड कंडीशन मेरे पर जब एप्लीकेबल होंगी मैं उसमें फिट नहीं बैठता हूँ, ये मेन प्रॉब्लम है। और बट आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरे को लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, मुंबई गया, वहाँ पर रहना और वहाँ पर से 12 घंटे का स्ट्रगल, बिना खाए पिए, एक डोसा खाया था सिर्फ पूरे दिन भर और रात को सीधे 9 बजे खाना खाया, तो ये सब रहा, बहुत से लोगों से मिला, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यू नो वहाँ गए हैं, आप लोगों ने मुझे पहचाना, इट वॉज अमेजिंग कि कोई मुझे विक्रम सर बोलते हैं, मैं आपका ही वीडियो देख रहा हूँ आई नो फॉर इंटरव्यू, इट वॉज अमेजिंग डे, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और फ्यूचर में आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही फ्यूचर में वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।